आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शासन के आदेशों के मद्देनजर आगामी स्कूलों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन ने स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला प्रशासन अभिभावकों की सहमति पर स्कूलों को खोलने की अनुमति देगा। शासन के आदेशों के मद्देनजर कोरोना काल में स्कूलों को खोलने को लेकर जिला प्रशासन हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हर स्तर पर चर्चा कर अभिभावकों की सहमति को देखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्कूलों के लेकर के आज शाम को इनके जो स्कूल के हमारे जो मैनेजिंग वाले हैं, इनकी बैठक है और साथ में अभिभावकों की भी बैठक जो है डीएस के द्वारा बुलाई जा रही है। तो इन दोनों से वार्ता के उपरांत जो है गाइडलाइन जो है डिसाइड की जाएगी, उसके अनुसार जो है स्कूल खोले जाएंगे। एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि स्कूलों को खोलने को लेकर तैयारियां जारी हैं। स्कूल संचालकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में स्कूल खोलने को लेकर हर स्तर पर चर्चा की जाएगी, साथ ही अभिभावकों की सहमति पर निर्णय लिया जाएगा। नई गाइडलाइन में स्पष्ट दिया हुआ है कि अभिभावकों की मर्जी से ही बच्चे स्कूल जाएंगे। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता तो उसके पे कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। दरअसल 19 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कोरोना काल में स्कूलों को खोले जाने पर अभिभावक चिंतित हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोरोना महामारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक स्कूलों को ना खोला जाए। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जा सकती है। अगर स्कूलों को खोला गया तो अब तक सुरक्षित रहे विद्यार्थियों को खतरा हो सकता है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।